नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की सभी बड़ी खबरें। ताजा खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। और इसी के साथ में आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में पूछा जाएगा एक छोटा सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसके साथ में पेटीएम के एसपी। चलिए तो आज की पहली खबर है हैदराबाद गैंगरेप के आरोपी ढेर, पढ़िए सुबह की बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल पुलिस आरोपियों को NH 44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए ले गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। पुलिस ने चारों आरोपियों को वहीं पर ढेर कर दिया। चलिए तो अगली खबर है हैदराबाद दुष्कर्म में एनकाउंटर करने वाले पुलिस जवानों को गुजरात के उद्योगपतियों ने 1,00,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के चार आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना का गुजरात में व्यापक तौर पर स्वागत किया गया, जबकि राज्य के एक उद्योगपति ने इसके लिए वहां की पुलिस को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। चलिए तो अगली खबर है 31 दिसंबर तक कर ले ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, नहीं निकाल पाएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, सरकारी से प्राइवेट हुए IDBI बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट किया है। IDBI बैंक ने ग्राहकों को SMS भेजा है। SMS में बैंक का कहना है कि ग्राहक अपना KYC डॉक्यूमेंट तुरंत होम ब्रांच पर किसी भी नजदीक ब्रांच में जाकर जमा करवा ले, नहीं तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिसके बाद वे पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। KYC डॉक्यूमेंट करवाने के लिए बैंक ने 31 दिसंबर 2019 की अंतिम तारीख तय की है। तो अगर आपका या फिर आपके परिजनों का या दोस्तों मित्रों का बैंक अकाउंट IDBI बैंक में है तो उनके साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए तो अगली खबर है बढ़ने जा रहा है किचन का बजट, प्याज के बाद अब इन चीजों की कीमतों में होगी तेजी। जी हां दोस्तों, देश भर में प्याज की कीमतों में तेजी के बाद आम लोगों की जेब पर इसका बुरा असर पड़ा है, और इसी के साथ में अब लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। दरअसल खबर यह आ रही है कि खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किए जाने वाला तेल महंगा होने वाला है, जिसकी वजह से सोयाबीन, सरसों तेल की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। चलिए तो अगली खबर है PMC बैंक डिपोजिटर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, यह है उद्धव ठाकरे का प्लान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC बैंक का विलय करने का प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र की सरकार चाहती है कि PMC बैंक का विलय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ कर दिया जाए, और इस संबंध में राज्य सरकार ने PMC बैंक के प्रबंधक से बातचीत भी की है। चलिए तो अगली खबर है आपका पैसा रहेगा महफूज, ATM फ्रॉड पर लगेगी लगाम, RBI ला रहा है नया नियम। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है उसी रफ्तार से प्लास्टिक मनी के साथ होने वाली जालसाजी भी बढ़ रही है। डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करवाकर जालसाज लोगों को चूना लगा देते हैं। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा नीति में RBI का कहना है कि ATM के ट्रांजैक्शन को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाए जाने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। चलिए तो अगली खबर है ट्रेन में होगी खुशियों की डिलीवरी, रेलवे शुरू करने जा रहा है खास सुविधा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल में सफर के दौरान आपके खाने का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। भारतीय रेल ने यात्रा और आरामदायक बनाने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है खुशियों की डिलीवरी। दरअसल रेलवे में कैटरिंग की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी IRCTC ने अपने ई कैटरिंग सिस्टम को रीब्रांड करने की कोशिश की है, और इसके लिए IRCTC ने 700 फूड वेंडरों के साथ में डील की है, जो कि देश भर में करीब 350 रेलवे स्टेशन पर आपको मनपसंद खाना डिलीवरी करेंगे। IRCTC की खास डील के तहत रेल के सफर के दौरान सबवे, डोमिनोज पिज्जा, बिरयानी ब्लूज की मसूर बिरयानी, हल्दीराम की राज कचोरी समेत कई तरह के खानों की डिलीवरी ऑनलाइन मिल सकेगी। चलिए तो अगली खबर है तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान ने अपना खाली खजाना भरने के लिए बनाया नया प्लान, जानिए कहां से जुटाएगा अब फंड। जी हां दोस्तों, तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए इमरान खान सरकार ने पैसे जोड़ने के लिए एक नया प्लान बनाया है। पाकिस्तान सरकार ने बिना इस्तेमाल होने वाली महंगी सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला किया है, और इन संपत्तियों की बिक्री से जो भी कमाई होगी सरकार उससे खाली खजाना भरने का काम करेगी, और इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने दुबई एक्सपो में सरकारी संपत्तियों की बोली लगाने का फैसला किया है। तो अगली खबर है GST स्लैब की दरों में होने वाला है बड़ा बदलाव, महंगी हो जाएगी ये चीजें। जी हां दोस्तों, लगातार घटते GST रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू टारगेट पूरा न होने की वजह से सरकार अब दूसरे विकल्पों के बारे में विचार कर रही है, और ऐसे में खबरें ये आ रही है कि सरकार GST पैनल के 5% के टैक्स स्लैब को 1% बढ़ाकर 6% करना चाहती है। तो ऐसे में आम जनता के ऊपर महंगाई की मार और बढ़ सकती है। चलिए तो बात करेंगे भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव की। तो सबसे पहले बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,720 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 29,760 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 37,200 रुपए, 100 ग्राम के अनुसार 3,72,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वहीं बात करें 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,840 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 30,000
3,720 रूपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,400 रूपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,84,000 रूपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और भेजे सकते हैं गोल्ड इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल टीवी लैपटॉप कंप्यूटर और इसके साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वहीं बात करें चांदी के भाव की, तो 1 किलोग्राम के अनुसार चांदी का ताजा भाव 45,547 रूपए पर पहुंच चुका है। चलिए तो आज के मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।